तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज नितिन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक हेल्प मास्टर चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एमएस एक्सेल कैसे चला सकते हैं और सेम कंप्यूटर की तरह एमएस एक्सेल को अपने मोबाइल फ़ोन पर कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आज बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एमएस एक्सेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा प्ले स्टोर से। चलो हम प्ले स्टोर पर चल के आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा और जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देना होगा एमएस एक्सेल। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एमएस एक्सेल टाइप करके सर्च कर देते हैं और सर्च करने के बाद हमारे सामने एमएस एक्सेल के एप्लीकेशन बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। अब इसमें आपको इंस्टॉल करना है सबसे ऊपर वाला एप्लीकेशन, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऑलरेडी से मैंने इंस्टॉल किया है तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ एमएस एक्सेल का इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारे सामने एमएस एक्सेल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दिया है, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस पर, ये जो आपको बीच में ये लोगो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एमएस एक्सेल की पूरी सीट आ जाएगी, ये है एमएस एक्सेल की दोस्तों सीट। तो इसको आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे सीट पे तो आपके फुल डिस्प्ले पर ये सीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मान लीजिए हम सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इसके पूरे ऑप्शंस दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। तो दोस्तों ये बोल्ड है अपने मैटर को मोटा करने के लिए, जैसे कि आपने कोई मैटर लिखते हैं उसे मोटा करने के लिए। ये अटैलिक है आपके मैटर को तिरछा कर देगा और ये अंडरलाइन है, ये आप अपने मैटर में अंडरलाइन लगा सकते हैं नीचे से एक पट्टी। ये बॉर्डर है, आप अपने मैटर में बॉर्डर लगा सकते हैं। ये फील कलर, ये आप अपने मैटर में कलर लगाने के लिए। फॉन्ट है, अपने मैटर की भाषा बदल सकते हैं, जिस तरीके से आप अपनी भाषा लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्ज सेंटर का ऑप्शन दिख जाता है, अपने मैटर को किस सेंटर में आप रखना चाहते हैं, ठीक है। वार्प टेस्ट, यहाँ पर आप अपने मैटर में टेक्स्ट लगा सकते हैं, ऑलरेडी उसे लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से आपको सेल स्टाइल, यहाँ से आपको स्टाइलें मिल जाएंगी किस स्टाइल में आप अपने मैटर को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है अपने मैटर को बिल्कुल ही हटाने का। यहाँ से आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है, संख्या को जोड़ने या एवरेज निकालने का या उसे काउंट निकालने का। यहाँ से आपको फिल्टर वगैरह के ऑप्शन, फाइंड, यहाँ से किसी अक्षर को ढूंढने के लिए। तो चलो हम आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन यूज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आप किसी संख्या को जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ संख्या लिख लेनी होगी। तो आपको ऊपर सबसे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ संख्याएँ लिख लेनी है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ संख्या लिख लेता हूँ, 4, 5, 79, ठीक। मैंने इतनी संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसे आपको करना क्या है, सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब आपको इस संख्या को जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड में ये इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आसानी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आपको कॉर्नर दिख जाता है इस तरीके का, ठीक है। ये जहाँ पर ये एक्स वाला बटन आपको दिख जाता है इस पर यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस संख्या को जोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑटो सम का ऑप्शन दिख जाता है, ये वाला। जैसे कि आप यहाँ से किसी संख्या का जोड़ना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, कुछ भी काउंट नंबर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो ऑटो सम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी संख्या जो है वो बिल्कुल जुड़ के आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से 4, 3, 7 और 7, 5, 12, 19, 31 पूरी संख्या यहां से आपको जुड़ के आ जाए। अब इसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए फिर ऑटो सम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और एवरेज पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर एवरेज भी निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं यहां पर 12.4 एवरेज आपका निकल के आया है। अगर आप इसका नंबर काउंट करना चाहते हैं तो नंबर काउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका काउंट नंबर आ जाएगा कितने इसमें नंबर है। तो 6 हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो में है तो आपका 6 नंबर काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें संख्या, जोड़, एवरेज, काउंट नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला चलाना चाहते हैं, इसे मैटर को हटाने के लिए आपको करना क्या है, ये क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, पूरा आपका मैटर हट जाएगा।
अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला चलाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ लखीमपुर, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नितिन, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना जो नेम है वो कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, और यहाँ से आपको इन अपने मतलब नेम को स्मॉल अक्षर में करना, वो कैपिटल अक्षर में करना है। मैंने यहाँ पर इसे स्मॉल अक्षर में टाइप किया है, तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, जाना होगा अपने यहाँ पर, आपको चला देना होगा बराबर का निशान, बराबर लगाएंगे और यहाँ से लिखेंगे प्रॉपर। जैसे ही आप प्रॉपर लिख देंगे और इस पर आपको ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन यहाँ पर लगा लेना होगा, और यहाँ से आपको अपने मैटर को क्लिक कर देना होगा, मैटर उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे आपका जो देख सकते हैं यहाँ पर पहला अक्षर है वो सिंपली आपका कैपिटल अक्षर में आ चुका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको स्मॉल अक्षर में दिख जाता है। तो इस तरीके से आप इसे इस फॉर्मूले को चला सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप और कोई फार्मूला चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी संख्या को 10 बार चाहिए, तो आपको 10 बार लिखना पड़ेगा। अब आपको एक ही बार में कैसे लिखकर उस संख्या को 10 बार ला सकते हैं, तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, बराबर वाला निशान लगा लेना होगा, और लगाने के बाद आपको यहाँ पर रिप्ट चला देना होगा, रिप्ट, ठीक है। आप यहाँ पर रिप्ट लिखेंगे और यहाँ से आपको ब्रैकेट वाला निशान लगा लेना होगा, और यहाँ से मान लीजिए आपको संख्या कोई 10 बार चाहिए, 5 लिखेंगे और ये कामा लगा देंगे, और जितनी बार संख्या आपको चाहिए वो लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे 6 बार चाहिए, लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे मुझे देख सकते हैं यहाँ पर 6 बार मैंने लिखा था, तो यहाँ पर 5 जो संख्या है वो 6 बार आ चुकी है। तो आप इस तरीके से इस पर फार्मूला चला सकते हैं, जो भी चीज़ आप इस पर चलाना चाहें तो ठीक है, इस तरीके से आप इसमें चला सकते। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कोई मैटर लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं मैटर कोई लिख देता हूँ, इसे कलर वगैरह करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करना है, तो यहाँ से नीचे आपको जाना होगा, ये यहाँ पर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का, जो भी यहाँ से आप कलर फिल करना चाहें वो कलर भी फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये कलर फिल करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर भी फिल हो गया। तो आप इसका कलर हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये वाइट वाले पर क्लिक कर देंगे, आपका कलर हट जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसकी फॉन्ट बदलना है, तो किस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे ये बल्ब के ऑप्शन में जो बगल में है इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप इसकी फॉन्ट भी बदल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट है वो ऑलरेडी बदल जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, और सेल की स्टाइल जिस स्टाइल में आपको रखना है मैटर को, वो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से सेम कंप्यूटर की तरह एमएस एक्सेल को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में चला सकते हैं। और आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा, ये इस तरीके से, जैसे कि आप कोई फाइल बनाते हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो चुकी है, मैंने ये जो फाइल बनाई थी यहाँ पर देख सकते हैं वही फाइल हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। तो देख सकते हैं सिंपली यही मैंने फाइल बनाई थी वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो सेम बिल्कुल दोस्तों कंप्यूटर की तरह आप एम एस एक्सेल चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम सभी आपको यहाँ पर फीचर बताएंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एम एस एक्सेल सेम कैसे यूज करते हैं पूरा एम एस एक्सेल आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बाय दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर का अपडेट लेकर।